Good morning students. Last time I will teach you lesson 2. Lesson 2 is noun. So today I am going to teach you lesson 3. Lesson 3 is pronouns. So what is the pronouns? So pronouns are words used in place of nouns. Pronouns are words used in place of nouns. Pronouns are of various kind. Personal pronoun. First is a personal pronoun. So, first person. Personal pronouns are so called because they stand for the three types of person. Personal jo pronouns hai, uski kitne types hai? Three types hai. Three types of personal pronoun. Three types of personal pronouns, persons. So, first person. First person is? First person. The person who speak. First person kya hai? Who speak. Kaun bol raha hai? Second person. The person who is spoken to. Second person. The person who is spoken to. Kya bol raha hai? Third person, the person who is spoken about. ये किसके बारे में बोल रहा है? Third person किसके बारे में बोल रहा है? Who is spoken about? So personal pronouns are related to possessive pronouns. Personal pronouns are related to possessive pronouns, possessive adjectives, and reflexive pronouns. So personal pronoun related to personal pronoun, adjective and reflexive pronoun. To understand all of these clearly use this table and practice. ये टेबल से हम क्लियर करेंगे कैसे पर्सनल प्रोनाउन को रिलेट करता है पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल एडजेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि कैसे पर्सनल प्रोनाउन को रिलेट करता है पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल एडजेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये टेबल से हमें क्लियर हो जाएगा. सो नाउ फर्स्ट पर्सन. सो नाउ पर्सन नंबर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल एडजेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई. और ऑब्जेक्टिव क्या है? मी. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मी. प्रोनाउन क्या होगा? माइन. एंड एडजेक्टिव माइन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ. मेरा खुद का. एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि ज्यादा बहुत. फर्स्ट पर्सन स्पीकर वो क्या होता है? प्लूरल में क्या होता है? सब्जेक्ट वी, ऑब्जेक्ट अस, प्रोनाउन अवर, एडजेक्टिव अवर एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अवर सेल्स. हम सब का. सो फर्स्ट पर्सन इज अ क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेकंड पर्सन स्पोकन टू सिंगुलर यू, सब्जेक्ट यू एंड ऑब्जेक्ट यू. सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन योर्स, एडजेक्टिव योर आपका एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ. सेकंड पर्सन प्लूरल पर्सनल सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, पर्सनल प्रोनाउन योर्स, एडजेक्टिव योर एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज योर सेल्फ. नाउ सेकेंड पर्सन इज स्पोकन टू इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट. थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट किसके बारे में है? थर्ड पर्सन इज स्पोकन
उनका है। सो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? देम, दे यानी कि वो, और देम यानी कि उनका, एंड पर्सन प्रोनाउन देयर्स, एडजेक्टिव देयर, एंड रिफ्लेक्शन प्रोनाउन देमसेल्व्स। सो नाउ दिस इज टेबल इज क्लियर। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन स्पोकन टू, थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट। क्वेश्चन नंबर ए, अंडरलाइन द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है? अंडरलाइन। सो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया? आई ही डू माई होमवर्क माई सेल्फ। सो सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट आई आएगा या ही? डू माई होमवर्क माई सेल्फ, क्या है? मी। सो
Number 6, I cannot find
Those are
टुडे इज क्लियर की टुडे इज क्लियर थ्री पॉइंट्स फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन सेकंड पजेसिव प्रोनाउन एंड थर्ड पजेसिव